नमस्कार, BCN न्यूज की खास मुलाकात में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सभी तमाम महिलाओं को सबसे पहले वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वुमेंस डे की जो खास मुलाकात है उसमें हमारे साथ आज है डॉक्टर प्रवीण सहावे और डॉक्टर पूजा सहावे अभ्युदय पायल्स हॉस्पिटल से। और इनकी जो दो शाखाएं हैं, मनीष नगर की एक शाखाएं है और रामेश्वरी चौक में इनकी शाखाएं हैं। वुमेंस की जब बात करें, महिलाओं की बात करें, तो ये हर किसी की केयर करती है, हर किसी को संभालती है, पर उनकी चिंता जो करते हैं वो अभ्युदय पायल्स करते हैं। और इसी चीज़ के चलते आज महिलाओं के हेल्थ से जुड़ा एक छोटा सा सेशन हम इन दोनों के साथ लेने वाले हैं। आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। और पहले भी प्रवीण सर के हमने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं और आज पूजा जी हमारे साथ है, जिन्हें वैसे भी बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। और अगर मैं दोनों ही कपल की बात करूं तो ऐसे कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही पावरफुल कपल है दोनों भी, जिन्हें नेशनल रीजनल लगभग 35 अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग सी बात है। और अगर मैं बात करूँ प्रवीण सहावे सर की, तो इन्हें बीम लेज़र टेक्नोलॉजी की ये ब्रांड एम्बेसडर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आज हमारे स्टूडियो में आए। और ये बहुत खुशकिस्मती है कि आप दोनों साथ में आज स्टूडियो में आए हैं। पूजा जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि महिलाओं में जो गुदबाग में कौन सी बीमारियाँ होती है और इसका निदान कैसे किया जा सकता है, इस बारे में मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को जानकारी दें। सबसे पहले तो 8 मार्च को हम जागतिक महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो मैं जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको सभी को मैं महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और हम अब बढ़ते हैं, मैम ने जो क्वेश्चन पूछा है, महिलाओं में गुद भाग में भगंदर यानी फिस्टुला इनानो, बवासीर यानी पाइल्स, प्रोलैक्स रेक्टम, गुद भाग बाहर आना, एब्सेस, पेरियनल एब्सेस यानी गुद भाग में बालतोड़ जिसे बोलते हैं वो, और महिलाओं में गुद भाग का होने वाला कैंसर है। Okay. ये सारी गुद भाग में होने वाली महिलाओं में होने वाली बीमारियां हैं। ओके। अब इसका निदान हम जब हमारे पास पेशेंट्स आता है तो हमारे यहाँ पर स्पेशल दूरबीन के द्वारा, जिसे हम वीडियो रेक्टोस्कोपी या एंडोस्कोपी कहते हैं, उसके द्वारा हम इसका निदान करते हैं। उसमें हमें पेशेंट का ये समझ में आता है कि उसको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है। Okay. अगर पाइल्स है तो कितने पाइल्स है, कहाँ पर पाइल्स है, ये सारा चीज़ें हम देखते हैं उसमें। और अगर फिस्टुला करके लिए डायग्नोस होता है पेशेंट, तो हम उसे MRI फिस्टुलोग्राम करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम पेशेंट को कोलोनोस्कोपी के लिए भी भेजते हैं। Okay. जो पाइल्स की 4 श्रेणियाँ हैं। अच्छा। वो इसमें हमको डायग्नोस हो जाती है कि पाइल्स ये प्रथम श्रेणी का है, सेकेंड श्रेणी का है, थर्ड का है या फोर्थ का है, उस हिसाब से फिर हम हमारे ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर फर्स्ट और सेकेंड श्रेणी का होता है तो उसमें हम आयुर्वेदिक उपचार देकर ही पेशेंट को रिलीव करते हैं, और थर्ड या फोर्थ का होता है तो उसके लिए हम एडवांस लेज़र का यूज़ करते हैं। ओके जी। प्रवीण जी, आपसे सवाल पूछना चाहती थी मैं कि महिलाओं में बवासीर होने के कारण क्या होते हैं, मतलब यूजुअली हम देखते हैं कि महिलाओं में बवासीर होता है, तो इसके कारण क्या और इसका उपचार किस तरह संभव है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और सबसे पहले सभी महिलाओं को जागतिक महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और महिलाओं में अगर हम कारण देखेंगे तो स्टेजेस वाइज अगर हम कारण का विश्लेषण करेंगे तो जैसे यंग एज है या बच्चों का एज है, मैं कुमारी का लड़कियां है, गर्ल्स है, तो उनमें कारण जो है जंक फूड खाना, स्पाइसी डाइट लेना, अच्छा, कॉन्स्टिपेशन बार बार होना, ये सब कारण पाइल्स होने के होते हैं। ओके। इसके अलावा जिन महिलाओं को थायराइड की समस्या होती है, हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है, उनको भी पाइल्स होने की संभावना होती है। अच्छा। बाद में जैसे यंग एज या चाइल्ड बेयरिंग एज होता है, उसमें गर्भावस्था में जैसे महिलाएं होती हैं, उनको गर्भाशय का वजन बढ़ने से, शरीर में अत्यधिक प्रमाण में प्रोजेस्टेरोन की लेवल या मात्रा बढ़ने से, गर्भाशय का वजन बढ़ने से वहाँ पर गुदबलियों में प्रेशर आता है और वहाँ की वेन्स फूल जाती है, इसको फिजियोलॉजिकल पाइल्स भी बोला जाता है। मोस्टली प्रेगनेंसी इंड्यूस हेमोराइड्स या पाइल्स होते हैं। इसके अलावा महिलाएँ 9 माह तक आयरन का सेवन करती है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, तो ये सब तमाम कारण महिलाओं में पाइल्स होने के होते हैं। अच्छा। और ओल्ड एज की तरफ अगर हम देखेंगे महिलाओं में कारण, तो इसमें मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म एक कारण है, थायराइड की लेवल बढ़ना। दूसरा है कि महिलाओं में और कोई बीमारी की वजह से जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, जैसे सनाइल एज में या ओल्ड एज में
ऑस्टियोपोरोसिस या और भी बीमारियाँ हो सकती है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो इसके कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप भी पाइल्स होने के जो कारण है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, या जैसे ब्लड थिनर पे कुछ महिलाएं रहती हैं जिनको खून को पतला होने की दवाई चालू रहती है, तो ऐसे महिलाओं में पाइल्स जैसा ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग ज़्यादा जाने की संभावना होती है, क्योंकि उनका ब्लड रुकने की जो क्षमता है वो कम होती है, और ब्लड जो है वो पतला होने की दवाई उनको चालू होने की वजह से ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये सब कारण जो है महिलाओं में पाइल्स होने के होते हैं, और इसका उपचार जो है हम लोग उसके स्टेजेस के अनुसार करते हैं। पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं तो उनको हम लोग आयुर्वेद मेडिसिन के द्वारा ही ठीक करते हैं। अच्छा। और थर्ड और फोर्थ स्टेज अगर पेशेंट आते हैं पाइल्स के, तो उनको मोस्टली हम लोग लेजर ट्रीटमेंट के माध्यम से ठीक करते हैं। और एक सवाल था सर आपसे कि कहीं ना कहीं भगंदर ये जो एक टर्म है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती कि ये क्या होता है और महिलाओं में इसका विशेष उपचार कैसे किया जाता है इसके बारे में। महिलाओं में फिशुला या भगंदर जिसको है उसमें मोस्टली ये प्रॉब्लम होता है कि गुदभाग के आजू बाजू में कहीं तो भी फोड़ा बनता है और वहाँ से पस निरंतर बहते रहता है, वहाँ से सिक्रीशंस बहते रहते हैं, पेन, दर्द होना, ब्लीडिंग होना, और ये सब समस्याएं होने के साथ साथ फिशुला जो है उसके एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग ये दो ओपनिंग होते हैं। फिशुला यानी एक प्रकार का नाली घाव जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी भाषा में, आम भाषा में अगर बोलेंगे तो उसको नाली घाव कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एब्सेस या फोड़ा वहाँ पर अगर होता है जिसको बालतोड़ आम भाषा में कहते हैं, वह अगर किसी कारणवश उसको चिरा दे के पस को बाहर नहीं निकाला तो वो पस संडास की जगह अंदर तक खुलता है, उसको फिशुला या भगंदर कहा जाता है। इसके टाइप्स होते हैं जैसे कि हाई एनल फिशुला और लो एनल फिशुला, यानी हाई एनल यानी जो डेंटेट लाइन के अभाव होता है उसको हाई एनल फिशुला कहा जाता है, और लो एनल फिशुला जो है वो डेंटेट लाइन के नीचे होता है उसको लो एनल फिशुला कहा जाता है। अच्छा। अभी फिशुलाओं में महिलाओं में स्पेशली अगर एंटीरियर फिशुला है तो वहाँ पर फिशुलेक्टॉमी मोस्टली अवॉइड की जाती है, क्योंकि क्या होता है इससे वहाँ का मांसपेशी का नियंत्रण जाने की संभावना काफ़ी होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर हम एडवांस लेजर के माध्यम से बिना किसी चीरफाड़, बिना किसी काटपीट और किसी भी प्रकार का मांसपेशी का नियंत्रण इससे नहीं जाता है। अच्छा। और उससे एक डे केयर प्रोसीजर हम लोग करते हैं जिससे फिशुला की जो ट्रैक्ट है उसको लेजर के माध्यम से ठीक किया जाता है और वह फिशुला अपने आप हील हो जाता है। तो महिलाओं में अगर फिशुला होता है तो उसके लिए विशेष उपचार हम लोग करते हैं। पूजा जी आपसे एक सवाल था कि कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक लेजर गायनेकोलॉजी ये टर्म बहुत बार सुनाई दिया गया है, मैं आपसे जानना चाहती थी कि कॉस्मेटिक लेजर गायनेकोलॉजी ये उपचार इसका क्या है और किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। योनि मार्ग में विशेष जो डायोड लेज़र होता है उसके द्वारा हम ये चिकित्सा करते हैं, जिसमें क्या होता है जो वहाँ का टिश्यू होता है उसका टोन बढ़ता है और ये नॉन एब्लेटिव होता है, मतलब बिना स्पर्श किए जाने वाली चिकित्सा होती है। इसमें जो लेज़र का जो किरण होती है वो वहाँ पर हम पेनिट्रेट करते हैं और पेशेंट को उससे क्योर मिलता है, वहाँ का जो म्यूकोजा है वो हेल्दी होता है। और आप ये पूछे कि कॉस्मेटिक लेजर गायनेकोलॉजी में हम किस पेशेंट में करते हैं, तो जैसे जो लेडीज बढ़ती उम्र के साथ में जो हार्मोन्स लेवल कम ज्यादा होते हैं उसमें हम कॉस्मेटिक लेजर, उसमें जब योनि भाग जब सूख जाता है तो उसमें हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ल्यूकोरिया जो वाइट डिस्चार्ज जो बोलते हैं उसमें हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करके लिए योनि मार्ग का ही एक प्रकार का वायरस होता है जो मेडिसिन लेने के बाद भी अच्छा नहीं होता है और हम कॉस्मेटिक जब लेज़र उसके ऊपर करते हैं पेशेंट के ऊपर तो वो पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिलता है। वैसे ही पेशेंट अपने शरीर से के प्रमाण से ज़्यादा जब भार उठाती है खांसते वक्त, छींकते वक्त, जब मतलब ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता और अपने आप पेशाब बाहर आ जाती है तो उसमें भी हम कॉस्मेटिक लेजर गायनेकोलॉजी का यूज़ करते हैं। और साथ ही में एक से दो या तीन बार से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी जब
होती है तो उस जो वजाइना है वो ढीला लूज पड़ जाता है तो उसमें भी हम लोग वजाइनल रिजेनरेशन करके पेशेंट को काफ़ी हद तक उसमें हम रिलीफ देते हैं। ओके ओके, प्रवीण जी आपसे एक सवाल था कि आयुर्वेदिक शार सूत्र उपचार के बारे में आपसे जानना चाहती थी। मैं चाहती थी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये आयुर्वेदिक शार सूत्र उपचार क्या होता है। एक्चुअली आयुर्वेदिक क्षार सूत्र उपचार जो है यह फिशुला और पाइल्स के लिए किया जा गया आयुर्वेद का प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। ओके, इसमें एक श्लोक आयुर्वेद में दिया गया है, इसमें कहा गया है कि भावितम रजनी चूर्णे स्नुहि क्षीरे पुनः पुनः बंधना सुदृढ़ चूत्रम भिन्नति अर्शो भगंद्रम। इसका मतलब होता है कि बार बार मैंने दर्शकों को दिखाने के लिए एक क्षार सूत्र भी यह लाया है कि एग्जैक्ट क्षार सूत्र होता क्या है। और ये आप देख रहे हैं इसमें एक प्रकार का थ्रेड दिख रहा है। अच्छा, है ना। तो इस थ्रेड को बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं। इसको स्नुहि क्षीर नाम की एक वनस्पति रहती है। ओके, उसका दूध इसको लगाया जाता है। अच्छा, इसकी भावना दी जाती है। उसके साथ अपामार्ग क्षार एक पाउडर रहता है, उसका कोटिंग इसको किया जाता है। ओके, स्नुहि क्षीर के साथ। और लास्ट में हल्दी जो रहती है, सादी टर्मरिक पाउडर, उसका इसको कोटिंग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये थ्रेड बनता है। और ये जो थ्रेड है ये इटसेल्फ इट इज एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये जो क्षार सूत्र है ये जब हम फिशुला में हम लोग इसको लगाते हैं, ये पैरासर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें किसी भी प्रकार से पेशेंट को एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से इसमें काट पीट नहीं होती है। कोई घाव नहीं होता है। और इसको हर हफ्ते हम लोग चेंज करते हैं। अच्छा। इसमें अभी मॉडिफाइड क्षार सूत्र पद्धति भी आई है। ओके। जिसमें क्या होता है कि इसके जो कोटिंग लगे हुए हैं ये नेचुरली वहाँ के जो फिशुला है, भगंदर है, उसके जो स्लफ्स है, इन्फेक्शन है, उसको दूर करते हुए उसको हीलिंग करती है। यानी एट ए टाइम हीलिंग और कटिंग, ये दोनों काम इसी क्षार सूत्र से होते हैं। अच्छा। तो ये पैरासर्जिकल प्रोसीजर में आता है। और रिकरेंट जो फिशुला है, जिन लोगों को ऑपरेशन नहीं करवाना है, जिनको लगता है कि मुझे वहाँ की मांसपेशियों का नियंत्रण जाने की शक्यता है या डर लगता है, तो ऐसे पेशेंट, क्योंकि इसके जो उपयोग है इसके बारे में भी एक हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में एक श्लोक पाया गया है कि कृश दुर्बल भीरुनाम नाड़ी मर्मा शिताचया। कृश दुर्बल भीरुनाम, इसका मतलब होता है कि जो कृश व्यक्ति है, यानी जो इमेशिएटेड है, स्लिम व्यक्ति है, जो दुर्बल है, यानी जो डरते हैं ऑपरेशन करने से, शल्यक्रिया करने से डरते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को, विशेष महिलाओं को, यह क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति करना चाहिए। अच्छा। और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि आप यह चिकित्सा पद्धति करते समय ध्यान में रखें कि यह चिकित्सा पद्धति करने वाले जो डॉक्टर है वो हाईली एजुकेटेड है। ओके। या उन्होंने इस पद्धति का ज्ञान लिया है उनकी तरफ से या उनके माध्यम से ये चिकित्सा पद्धति करना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट्स के सुपरविजन के अंदर ही इस चीज़ को करना चाहिए। प्रवीण जी, और एक सवाल था कि जिस तरीके से आप बीम टेक्नोलॉजी के एम्बेसडर है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीम और लेजर उपचार पद्धति ये आखिर होती क्या है, क्या बताएंगे आप दर्शकों को? एक्चुअली बीम जो है वो बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेंडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम। ओके। ये एक विशिष्ट प्रकार का मशीन होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे ये मेरे हाथ आप उंगली देख रहे हैं, ये पाइल्स का मस्सा है। तो एक बीम नाम का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, बीम में पिंसर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम पाइल्स के मस्से के बेस में, जड़ में पकड़ते हैं और कुछ सेकंड में ही एक विशिष्ट प्रकार का आवाज होता है। तो उससे क्या होता है कि जो पाइल्स को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है या नर्व्स है, वो श्रिंक हो जाती है। ओके। और उसका ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वहां पर जो पाइल मास है वो ठीक हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का घाव नहीं होता। इसका अगर सिंपल आपकी हमारी भाषा में हम लोग अगर एक्सप्लेनेशन दे तो जैसे हम लोग दूध का पैकेट, कभी आपने देखा होगा कि दूध की पन्नी सील करते समय एक विशिष्ट प्रकार का मशीन होता है और दूध की पन्नी सील होती है, सेम उसी प्रकार से पाइल्स के जो मस्से हैं वहाँ पर सील होते हैं जिससे रिकरेंस के चांसेस नहीं है। okay. वहाँ पर कोई घाव नहीं है तो बार बार आपको ड्रेसिंग के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। और बीम के द्वारा ट्रीट किया हुए पाइल्स जो है वो ओपन वुंड न होने की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट को पेन है या दर्द है वो भी नहीं है। okay. और दूसरी चिकित्सा पद्धति है लेजर चिकित्सा पद्धति। लेजर में क्या करते हैं कि हम लोग डायोड लेजर यूज करते हैं। डायोड लेजर 1470 नाम की एक मशीन जो हायर और एडवांस वर्ल्ड की सबसे मशीन है, इसके माध्यम से हम पाइल्स के मस्सों के बेस में विशिष्ट प्रकार के किरणों के द्वारा
एनर्जी देते हैं जिससे वो मस्से वहीं पर श्रिंक हो जाते हैं और वहाँ की जो उसको सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है वो श्रिंक हो जाती है, तो उससे पाइल्स के जो मस्से है वही ठीक हो जाते हैं। और इसमें भी पोस्ट ऑपरेटिव उन न होने की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन है वो नहीं होता है। और ये भी डे केयर प्रोसीजर है, हमारे यहाँ पेशेंट सैटरडे को आते हैं, संडे को सैटरडे को ट्रीटमेंट करके संडे को आराम करते हैं और मंडे को ऑफिस ज्वाइन करते हैं। तो इससे अपना समय बच रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस बच रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं हो रहा है और पेशेंट अपने रूटीन काम पे भी जल्दी जा सकता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है ये। पूजा जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जागतिक महिला दिवस है आज, तो आज जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष में आपकी जो आगामी शिविर आने वाला है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को उस बारे में बताएं। जी, हर साल की तरह इस साल भी हमारे अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल मनीष नगर ब्रांच में 8 मार्च से 15 मार्च तक लेज़र में 50% डिस्काउंट हमने घोषित किया है। तो मैं हमारी महिलाओं से ज़्यादा महिलाओं से निवेदन करूँगी कि 8 मार्च से 15 मार्च तक गुद रोग में होने वाली जितनी बीमारियाँ, पाइल्स, फिशर, फिशुला, प्रोलैक्स रेक्टम है, इन सारी बीमारियों पर लेज़र पर 50% का हमने डिस्काउंट दिया है, तो उसका लाभ उठाए। और साथ में गायनेकोलॉजिस्ट, जो लेज़र गायनेकोलॉजी है, उसमें भी हमारे इसमें 50% का डिस्काउंट है। ओके, तो जितनी भी महिलाएं हैं वो इस चीज़ का लाभ ले सकती है। बहुत ही अच्छा ऑफर जो है अभ्युदय पाइल्स की ओर से है। प्रवीण जी, आपसे एक और सवाल था कि महिलाओं में मलबद्धता और फिशार का उपचार कैसे किया जाता है, मैं जानती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। मोस्टली महिलाओं में क्या होता है कि महिलाएं बेचारे अपना घर का काम, बच्चे, ऑफिस, वर्किंग वूमन से तो ऑफिस का काम और पूरी फैमिली का ख्याल रखते रखते अपने हेल्थ की तरफ कहीं तो भी निग्लिजेंसी हो जाती है। तो मोस्टली इन सब कारणों की वजह से कॉन्स्टिपेशन ये कॉमन समस्याएं महिलाओं में पाई जाती है। एक्चुअली मलबद्धता या कॉन्स्टिपेशन अगर है महिलाओं को, तो हमने उसके लिए एक रिसर्च किट बनाई है। okay. जिसका सेवन हम लोग पेशेंट को करवाते हैं, वो आयुर्वेदिक सेफ किट है। अगर महिलाएं प्रेग्नेंट है और उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हुई है, तो ऐसे समय में ज़्यादा मेडिसिन हम लोग दे नहीं सकते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह आयुर्वेदिक सेफ और सुरक्षित दवाई हमने रिसर्च करके बनाई है। okay. उसका सेवन कर सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे मलबद्धता है, कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है, उन लोगों को मनुका का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जिसको किशमिश कहते हैं। अंजीर का सेवन कर सकते हैं, साथ ही कुनकुने पानी का सेवन रात को सोते समय करें। जिनको ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन है, वह जो 3 से 4 ग्राम हरितकी का चूर्ण, हरड़ का चूर्ण जिसको बोलते हैं, okay. उसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि हरड़ चूर्ण के बारे में, हरड़ के बारे में आयुर्वेद में ऐसा उल्लेख कहा है कि कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरितकी। एक बार हमारी माता बच्चे पे क्रोधित हो सकती है, उसके ऊपर गुस्सा हो सकती है, पर हमने जो सेवन की हुई हरितकी या हरड़ का चूर्ण है या हरड़ का पाउडर है, वो हमारे शरीर को कभी नुकसान नहीं करता। अच्छा। तो आज जागतिक दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं कहना चाहूँगा कि आप हरितकी का भी सेवन कर सकते हैं और कुनकुने पानी का सेवन रात को सोते समय करें, तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज डाइट अवॉइड करें, और मलबद्धता की वजह से अगर फिशर उनको हुआ है, फिशर यानी गुदभाग में चीरा पड़ के वहां पर वो जगह छोटी हो जाती है, इसको फिशर कहा जाता है। इसमें दर्द होता है, असहनीय वेदना होती है, कभी कभी ब्लड ब्लड बूंद बूंद ब्लड भी जाता है। तो ऐसे समय में गर्म पानी में, कुनकुने पानी में फिटकरी और हल्दी 1-1 चम्मच डाल के बैठ के सिकाई करना, ये एक ट्रीटमेंट है। इसके बाद हम लोग हमारे सेंटर से कुछ रिसर्च किए हुए आयुर्वेदिक क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स देते हैं, उसका एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ दवाइयाँ हैं, उसका भी आयुर्वेदिक दवाइयों का अगर सेवन करेंगे अर्ली स्टेज में, तो फिशर ठीक होता है। सिर्फ अगर क्रोनिक फिशर है, 2 से 3 साल हो गए हैं, तो ऐसे स्टेज में लेज़र स्पिंक्टरटॉमी या लेज़र स्पिंक्टरलाइसिस ये ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, जिसमें स्पिंक्टर का कुछ फाइबर्स लेज़र के माध्यम से ठीक किए जाते हैं और फिशर का लेजर के माध्यम से उपचार किया जाता है। ओके ओके, पूजा जी आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से बवासीर गर्भावस्था में हुआ, तो उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि गर्भावस्था में पाइल्स कैसे होता है। गर्भावस्था में गर्भाशय का भार बढ़ने से वहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो वेंस होती है वो
बढ़ जाती है okay. और साथ ही में ही गर्भावस्था में जो प्रोजेस्टेरोन का प्रमाण होता है वो बढ़ता है और जो पेशेंट्स होते हैं वो आयरन का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनमें मलबद्धता वहाँ पर की जगह में पेशेंट बोलता है कि हमको बर्निंग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें पेशेंट हमको कंप्लेंट करता है okay. तो इसमें हम लोग पेशेंट को ये बताते हैं कि जो आयुर्वेद में दिनचर्या बताई हुई है गर्भिणी की वो हम उनको समझा के बताते हैं, और साथ ही में हम लोग उनको सिस्ट बाद मतलब लैट्रिन से आने के बाद में 15 से 20 मिनट तक जितना सहन होता है उतने गुनगुने पानी में बैठने की हम सलाह देते हैं okay. और साथ ही में सर ने अभी ये बताया कि हमारे रिसर्च प्रोडक्ट की किट है जो कि हम गर्भावस्था में जो बिल्कुल सेफ है, ऐसी हम गर्भावस्था के लिए गर्भावस्था में जो महिलाओं में जो उसमें फाइल्स होता है उसके लिए हम वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और पेशेंट को हम ये भी सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में गाय का दूध दही और घी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और पाइल्स से बचें। एक आखिरी सवाल था सर आपसे कि जाते जाते आप हमारे सभी तमाम दर्शकों को संदेश क्या देना चाहेंगे? हमेशा की तरह मेरा संदेश देने का जो तात्पर्य रहता है कि आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षा, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो व्याधि ग्रस्त हुआ है या जिनको बीमारी हुई है उसके हेल्थ की रक्षा करना या उसकी बीमारी को ठीक करना। तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि आप बीमारी ना हो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, आपके खान पान में तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज इसका सेवन ना करें, हो सके तो अपनी दिनचर्या को रूटीन को अपने हिसाब से फिक्स करें okay. खाने का समय निश्चित करें, हो सके तो सुबह 10 बजे और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में खाना खाएं, जिनको पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट उस समय को थोड़ा सा एडजस्ट करके खाना खा सकते हैं, बाहर का जंक फूड ज़्यादा प्रमाण में अल्कोहल का सेवन ना करें, ज़्यादा समय तक टॉयलेट में ना बैठे okay. आपका टॉयलेट सीटिंग टाइम शुड बी लेस देन 5 मिनट okay. 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स टॉयलेट में मोबाइल लेके जाते हैं, न्यूज़पेपर लेके जाते हैं और आधा घंटा टॉयलेट पर रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने के लिए और भी जगह है तो आप उसका यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा समय तक टॉयलेट में बैठना ये भी एक फिशुला पाइल्स का जो कारण है okay. वो कहा गया है, और फिशर होने का जो कारण है जैसे कि कमोड पर बैठते हैं तो उसमें दो प्रकार के एक फ्लश होते हैं, एक जेट टाइप फ्लश होता है जो वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है तो उससे फिशर होने के चांसेस हो सकते हैं okay. तो उसको अवॉइड करें। कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए फाइबरस डाइट का फूड्स का सेवन करें okay. छाछ का सेवन करें, क्योंकि छाछ के बारे में बहुत ही अच्छा उल्लेख हमारे ग्रंथों में गया कहा okay. गया है कि तक्रम शक्र से दुर्लभा, तक्र जो है यह पृथ्वी लोक पर हमारे लिए अमृत के समान है, यानी छाछ जो कि भगवान इंद्र को भी नसीब नहीं होता है, तो हमारे पृथ्वी लोक पर उपलब्ध जो तक्र है छाछ है उसका सेवन हम भी हम कर सकते हैं। आने वाला सीजन गर्मी का है, इस सीजन में हम लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आयुर्वेद को अपनाएं, आयुर्वेद को दिनचर्या को अपनाएं, हो सके तो रात को जल्दी सोए सुबह जल्दी उठे, और अभी अभी कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है और हो सके कि आने वाले दिनों में कोरोना हमें ना मिले, पर इस कोरोना की वजह से हमारी दिनचर्या को जो ठेस पहुँची है, कोरोना की वजह से हम लोग जो एक जगह पर रुके हुए थे तो उसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको सुधारने के लिए हमारा रूटीन हमको सुधारना चाहिए okay. रात को सोते समय मोबाइल का कम यूज करें और जल्दी सोए जल्दी उठे जिस तरीके से सर ने कहा, साथ ही आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई गई है जल्दी खाना जल्दी सोना इस चीज का पालन करें, और हेल्दी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये थे आज हमारे साथ अभिदय पाइल्स हॉस्पिटल से उनके डायरेक्टर डॉक्टर पूजा साहबे और डॉक्टर प्रवीण साहबे, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे इस एपिसोड में आप हमारे साथ रहे, और दर्शकों हमारी इस खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।